हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, अभी 23 सितंबर को जो हरियाणा क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या उनका सॉल्यूशन है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो इसे अपने आंसर चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया था वो अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चरखी दादरी जिला वर्ष डैश में बना, इसका करेक्ट आंसर है डी, दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, जो HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है, ये की है मानेसर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रृंखला पूर्ण करें जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है डी, 123। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये सौरव गांगुली की। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट जो सेवन्थ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, नोट्स जिनमें कोई चिल्ड्रन नहीं है डैश नोट्स कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, संख्या वर्ण समूह चुने जो दूसरों से अलग हो, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 12M, क्योंकि बाकी जो वी है वो 22nd प्लेस पे होता है, आर है वो 18 पे होता है, एक्स है वो 24 पे होता है, पर 12 पे एम नहीं होता है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, ये होती है अंबाला जिला में। कोने और किनारों के सेट जो उन्हें जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है ग्राफ। हाँसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया वो तलवार का किला भी कहलाता है, करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इसमें सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, जैसे KORT, इसको क्या लिखा हुआ है, PGWO, तो K में 5 ऐड करेंगे P आ जाएगा, इसके बाद O से जब -5 करेंगे इसमें से तो J आ जाएगा, ऐसे ही R में जब आगे के 5 ऐड करेंगे तो RSTUVW, तो ऐसे W आ जाएगा, और T में से पीछे 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा O, ऐसे ही FINR इसका आगे KDSM हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम डैश वर्ष में जारी किया गया, इसका करेक्ट आंसर है ए, 22 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट, पॉइंटर्स पर कौन से दो ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो ये किया जा सकता है दो पॉइंटर्स का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे डैश कहलाती है, यह तीर्थ दर्शन योजना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो यह 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जहां भारत दुनिया में 140वें स्थान पर है, किसके द्वारा जारी किया गया है, ये है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, ये है हिसार में। कार्बोर्डम क्या है, यह है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये कंप्यूटर का है और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई, ये है सिरसा में। नेक्स्ट है 29th, टी डिवाइड बाई जे, इसको 2 लिखा जाता है, तो एक्स डिवाइड बाई एच, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसमें जो टी की प्लेस वैल्यू उसको जे की प्लेस वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, ऐसे ही जो एक्स है वो क्या है, 24 पे होता है, एच है वो 18th प्लेस पे होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, ये करेक्ट आंसर हो जाए इसका डी। नेक्स्ट, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये किया था 1986 में। मगध की राजधानी को राजगृह में किस शहर में स्थानांतरित किया गया था, ये किया गया था पाटलिपुत्र में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। 33, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट
2019 में भारत का स्थान क्या है? यह है 140वां स्थान। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल को फंक्शन परिभाषा से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनकैप्सुलेशन। हरियाणा में गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? ये की थी 1970 में। विषम चुने, तो इनमें से जो विषम है वो है त्रिकोण। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? ये है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, क्लास कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर में। हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था बाणभट्ट द्वारा। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित की थी? ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? ये है मलाला यूसुफ जई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 129। नेक्स्ट मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बंकर्स। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। आप इसमें सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि जो बी है, बी में 1 ऐड करें सी आ जाएगा, ए में जब 3 ऐड करेंगे ए के बाद बी सी डी, ऐसे डी आ जाएगा। आगे इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। अब है बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित। और ये 47 जो क्वेश्चन नंबर था अभी उसका सॉल्यूशन है, ये जो था क्वेश्चन 9, 17, 33, 65, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये यहाँ किया हुआ है कि 129 इसका आंसर होगा। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की, इसका करेक्ट आंसर है बी, मुंद्री गांव। हरियाणा में मटके चक्र पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ये करती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है फाग नृत्य डैश माह में किया जाता है, ये किया जाता है फाल्गुन माह में। नेक्स्ट वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है, तो वो होगा रस समीकरण मिति, क्योंकि बाकी के जो तीनों हैं ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है उसे चुने जो बाकी से अलग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल है, ये है चावल। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी डाउट है अभी तो बाद में बता दूंगी मैं। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था, ये है श्री धर्मवीर। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 20। नेक्स्ट है भारत एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी डैश है, यह है कवारत्ती। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आता है सी। नेक्स्ट है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी। इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये किया गया था 2008 में। विषम चुने, तो इनमें से विषम है सुविज्ञ। हरियाणा में यमुनानगर को और कौन सा शहर क्या कहा जाता है, तो ये है कागज का शहर। अल्लाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है, यह है हरिशेन द्वारा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा वो है ए। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है, यह है नंदन नीलकेणी समिति। नेक्स्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड डैश गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट इज इफ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाय डैश एज आई कैन नॉट गिव यू माइन. इसमें होगा करेक्ट आंसर डी वन. कोलिन टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब डैश वेरी मच. इसका करेक्ट आंसर है सी ही इज इंजॉइंग इट. नेक्स्ट है कि कौन से पार्ट में एरर है. बींग ए कोल्ड डे नैदर माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन ए मूड टू गो आउट. तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसका अपोजिट बताना था 79 में, तो इसका अपोजिट होगा प्रैक्टिकल. करेक्ट आंसर हो गया सी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 80 80 का करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट है वी आर गुड फ्रेंड्स वी डैश ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैव नोन. नेक्स्ट 82 इट्स लेट इट्स टाइम डैश होम. इसका करेक्ट आंसर होगा सी वी वेंट. नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. नींदा शब्द का विलोम शब्द है वो है स्तुति. विमला से दिन में नहीं सोया जाता यह वाक्य डैश वाच्य में है. यह है कृतवाच्य में. आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए इस वाक्य में कल यह शब्द है. कल है अवयव. राम तैरता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है. यह है अकर्मक क्रिया के लिए. तिथि शब्द का बहुवचन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए तिथियां. नेक्स्ट जो 88 क्वेश्चन नंबर है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है डी. नेक्स्ट है चोर की डाढ़ी में तिनका इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है. दोषी स्वयं डरता रहता है. इसका करेक्ट आंसर हो गया ए. निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी मैं शायद पढ़ रहा हूँ. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर JBT BEd के स्टूडेंट हैं या फिर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है या फिर JBT या BEd से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.